जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिंगल कलर से बड़ा प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। ये डिजाइन बिल्कुल सिंपल है। इस डिजाइन को आप किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर, किसी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा चाहिए। और ये डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों का डिजाइन है। 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बनता है। तो चलो हम ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल में 16 फंदे डाल दिए और 3 फंदे एक्स्ट्रा, तो कुल इसके अंदर हमारे 19 फंदे हो गए। अब अपने और इसके अंदर मैंने उल्टी सिलाई निकाल के इसे कंप्लीट कर ली। अब सीधी तरफ से अपना डिजाइन बनाना हम शुरू करेंगे। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, ऊन को आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे, ऊन को पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, जिसमें हमें एक फंदा उल्टा बनाना है और एक फंदा सीधा बनाना है। अब अपने डिजाइन की हम सेकंड रो में आगे, जो हमारी रॉन्ग साइड से एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, आगे जो फंदा हमने उल्टा बनाया था उसे सीधा बनाएंगे। तो ये सीधा है, इसे हम सीधा बनाते हैं, फिर उनको अपनी तरफ करते हैं। अब हम जाली डालेंगे, जाली डालते हुए 3 का एक करेंगे। तो 3 का एक करने के लिए आगे के 2 फंदों को आगे की तरफ से अपनी, जिसमें हमारे सेंटर वाला फंदा सीधा रहता है और दोनों साइडों के फंदे उल्टे रहते हैं, तो इस तरह से इन 2 फंदों को आगे की तरफ से अपनी सिलाई में ले लेंगे और इस तीसरे फंदे को जाली डालते हुए सीधा फंदा बनाएंगे और इन 2 फंदों को इस तरह से अपने तीसरे फंदे के ऊपर से हम स्लिप कर देंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 3 का एक करेंगे। तो आगे के 2 फंदे हैं, इनमें बीच वाला फंदा सीधा रहता है, साइड के दोनों फंदे उल्टे रहते हैं। इस वाले फंदे को, इन 2 फंदों को आगे की तरफ से अपनी सिलाई में लेते हैं और तीसरे फंदे को जाली डालते हुए पीछे से सीधा बनाते हैं, आगे के इन 2 फंदों को तीसरे फंदे के ऊपर से स्लिप कर देते हैं, फिर उनको आगे करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाते हैं, उनको आगे करके जाली डालते हुए 3 का एक करते हैं और इन 2 फंदों को अपने इस फंदे के ऊपर से स्लिप कर देते हैं, फिर उनको आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए, फिर उनको आगे करके जाली डालते हुए 3 का एक करते हैं। इससे हमारे डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है। जाली डालते हुए लास्ट के फंदे को हम सीधा बनाते हैं, लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बना लेते हैं। इससे हमारे डिजाइन की सेकंड रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम थर्ड रो में आ गए, जो हमारी राइट साइड से। अब इसमें एज स्टिच के फंदे को तो स्लिप करेंगे, जिस फंदे को हमने बनाया है उसे तो उल्टा बनाना है और जो जाली वाला फंदा है उसे सीधा बनाना है। जिस फंदे को हम बनाते हैं 3 का एक करते हैं उसे तो उल्टा बनाना है और जो जाली वाला फंदा है उसे सीधा बनाना है। इस तरह बनाते हुए हमारी डिजाइन की थर्ड रो कम्प्लीट होती है, जिसमें हमें एक फंदा उल्टा बनाना है और एक फंदा सीधा बनाना है। तो बने हुए फंदे को तो उल्टा बनाना है और जाली वाले फंदे को हमें सीधा बनाना है। लास्ट वाले दोनों फंदों को उल्टा बनाना। इससे हमारे डिजाइन के थर्ड रो कंप्लीट होती है। अपने डिजाइन के हम फोर्थ रो में आ गए, जो हमारी रोंग साइड से। इसमें अब हमारा डिजाइन अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। पहला फंदा हमने पिछली सिलाई में सीधा बनाया था, एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को टर्न करके अपनी सिलाई में लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे। यहाँ हमने 3 का एक किया था, अब उस फंदे को हम एक बार बनाएंगे, जाली डालते हुए एक सीधा फंदा बनाते हैं, फिर उनको आगे करके जाली डालते हुए 3 का एक करेंगे। तो जो फंदा हमने सिंपल बनाया था
उसे तीन का एक करेंगे तो आगे के दो फंदों को अपनी सिलाई में लेते हैं, जाली डालते हुए तीसरे फंदे को अपनी सिलाई में एक बना लेते हैं, फिर इन दो फंदों को इसके ऊपर से उतार देते हैं, फिर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाते हैं, फिर जाली डालते हुए तीन का एक करते हैं, इस तरह हमारी डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट होती है और इन्हीं चार सिलाई को ही रिपीट करते हुए हमारा ये डिजाइन कंप्लीट होता है। लास्ट में हमारे दो फंदे रहते हैं, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतारना रहता है, तो इसे इसको इस तरह से टर्न करके जाली डालते हम दो का एक कर लेते हैं, लास्ट वाले फंदे को भी हम सीधा बना लेते हैं। इस तरह हमारी डिजाइन की फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब इन्हीं चार सिलाइयों को रिपीट करते हमारा डिजाइन बनता है और वापस से अपनी फर्स्ट रो बनाएंगे जिस तरह से हमने बनाई थी। एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। इसी तरह से हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो निकलती है, फिर बाकी की सभी सिलाइयाँ निकलती हैं और इन्हीं चारों सिलाइयों को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बन के कंप्लीट होता है। जो बनने के बाद इस तरह से दिखता है। बनने के बाद हमारा डिजाइन इस तरह से, बैक साइड से हमारा डिजाइन इस तरह रहता है। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।